और इसी बीच जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा है कि घाटी में लगभग 80 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी स्वैन ने कड़े शब्दों में कहा है कि जो कोई भी आतंकियों को समर्थन और रसद मुहैया कराएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि लोकल लेवल पर जो लोग समर्थन दे रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर उन लोगों पर भी है, क्योंकि 80 से ज्यादा आतंकवादी अगर यहां पर एक्टिव हैं तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। और सवाल ये भी कि आखिरकार किसकी मदद के जरिए आतंकवादी यहां पर रह रहे हैं, कौन राशन पानी मुहैया करा रहा है। कश्मीर में 80 विदेशी आतंकवादी सक्रिय, डीजीपी की तरफ से कहा गया आतंकियों को पनाह देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन का दावा, जो लोग लोकल लेवल पर इन आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं दबे छिपे अंदाज में, उन पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना जरूरी है जो आतंक को समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं। डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे, अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का जरूरत करेगा नहीं, तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से, फिर आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, मतलब मैं अपने को इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊँगा या कहीं जहाँ पर मैं यहाँ डीजी हूँ जहाँ नहीं हूँ वहाँ पर, तो मैं एक आम नागरिक हूँ, कल अगर मैं ज़रूरत करूँगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ या वोट डालूँ तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए। उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे उसके लिए हमें इस चीज़ की फिक्र है और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज़ को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज़ की एहसास है कि चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कर